अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज है जैसे संडे का दिन और संडे के दिन होती है छुट्टी, तो छुट्टी है आज, तो मैंने सोचा आज हम अपना फिश टैंक को साफ करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कितना ये डर्टी हो चुका है, कितना मैसी हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो आज मैंने सोचा इसको हम क्लीन करेंगे, अच्छे से क्लीन करेंगे, इसके सारे स्टोन एंड ग्रेवल्स निकाल के न्यू ग्रेवल्स ऐड करेंगे, और हो सकता है बड़े स्टोन भी हम क्लीन अप करके दोबारा ऐड करें, और इसके फिल्ट्रेशन वगैरह सब हम क्लीन करेंगे, अगर जो ख़राब है तो वो चेंज करेंगे, और हम सारी फिशेस को पूरे टैंक से निकाल के एक स्टफ में ऐड करेंगे। इसमें ऐड करने के बाद हम पूरा क्लीन करेंगे इसको, अच्छे से पूरा फिश टैंक क्लीन करेंगे अंदर से, और फिर इसके अंदर दोबारा फिशेस न्यू फ्रेश वाटर के अंदर ऐड करेंगे। तो कीप वॉचिंग। तो गाइस, तो अपन इसको करते हैं ऑफ, ऑफ करने के बाद हम इसका फिल्टर निकालते हैं। जैसे ये फिल्टर इसमें लगता नहीं है, ये मैंने ऐड कर दिया था इसके अंदर। तो जैसे आप लोग देख सकते हो कि इसका एयर मशीन मेरी, जो कि दो पाइप इसमें से एयर के जा रहे हैं, तो जो इसमें ग्रेवल का फिल्ट्रेशन एयर है वो एक काम नहीं कर रहा, देख सकते हो, और एक सेक्शन कर रहा है, एक काम कर रहा है, देख सकते हो ये एक सेक्शन कर रहा है, तो एक काम नहीं कर रहा। तो हमें क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे, और मेरे पास कुछ दूसरा पड़ा हुआ वो मैं चेक कर लूँगा मेरे स्टफ में, तो फिर हम इसको चेंज कर देंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने कहा था कि मेरे पास कुछ फिश टैंक का एक्स्ट्रा स्टफ पड़ा हुआ है, तो उस स्टफ में निकालते हैं एक फिल्टर, क्योंकि हम फिशेस को सारा स्टफ के अंदर ऐड करेंगे, तो इस स्टफ के अंदर ऐड तो करेंगे हम, पर उसके लिए हमें एक फिल्टर भी चाहिए, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलती रहे जब तक कि हम इसको क्लीन अप करेंगे, ठीक है। तो आओ, तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसी टैंक का पानी क्यों स्टेप में ऐड कर रहा हूँ, वो इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि फिशेस जो है, अगर मैं ज़्यादा फ्रेश वाटर अगर ऐड करता हूँ तो फिशेस जो है ठंडा गर्म हो सकती हैं, इस वजह से वो बीमार भी हो सकती हैं, इस वजह से हमें थोड़ा ये वाटर ऐड करना पड़ेगा, फिर इसमें पहले हम दूसरा वाटर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसमें एक फ़िल्टर ऐड कर दिया है जिसमें ऑक्सीजन इनको मिल रही है, और वही फ़िश टैंक का पुराना वाटर मैंने इसमें डाला है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर वही है जिसमें से फ़िश आई है, तो इनको अभी कुछ नहीं होगा ज़्यादा कुछ। जब हम इस फिश टैंक के अंदर न्यू वाटर ऐड करेंगे तो उस न्यू वाटर को हम पहले फ़िल्टर पर लगा देंगे ताकि वो फिल्ट्रेशन होती रहे, फिर उसके बाद इस फिशेस को हम उस न्यू वाटर के अंदर ऐड कर देंगे जो कि इस टैंक में होगा। तो हम लोगों ने दोस्तों सारे स्टोन एंड ग्रेवल्स सारे वो देखे हमने निकाल दिए हैं बाहर टैंक, फिश टैंक से, और अब हम उस शीट तक पहुंच चुके हैं, ये रही वो शीट जिससे वाटर फिल्ट्रेशन होता है ग्रेवल से, मतलब ये ग्रेवल फिल्ट्रेशन कहलाता है। तो इससे क्या होता है, इसके ऊपर सारे ग्रेवल होते हैं, सारे पत्थर होते हैं, और जब पानी स्टोन करता है यहाँ पर एक एयर पाइप लगता है जिसकी वजह से ये सक्शन करता है, तो सारा जो पानी का वाटर का अंदर जितना भी गंद कचरा होता है वो सारा ग्रेवल खींचता है नीचे की तरफ, क्योंकि ये सक्शन कर रहा होता है एयर से, तो ये वो शीट है जिसे ग्रेवल फिल्ट्रेशन कहलाता है। तो जैसे आप लोग देख सकते हो कि सारा टैंक खाली हो चुका है पानी से भी और स्टोन से भी और फिल्ट्रेशन से भी, तो आप देख सकते हो कि सारा क्लीन हो चुका है, पर अब इसको हम क्लीन करेंगे, जैसे कि आप ग्लास देख सकते हो कितना डर्टी है, तो ये ऐसे क्लीन होने वाला नहीं है, तो इसको अब हम क्लीन करेंगे ग्लास को, तो अब हम इससे इसको साफ करेंगे, ये वही है जैसे बर्तन वर्तन क्लीन करते हैं ना, ये वही चीज़ है। तो आप इसको अच्छे से ग्लास को देखो, इसे क्लीन कर सकते हो इससे, तो हम इससे क्लीन करेंगे इस ग्लास को। तो
और दोस्तों टी टाइम हो चुका है, तो टी ब्रेक के साथ हम अभी टी पियेंगे और आपसे हम बातें भी करते चलेंगे साथ साथ। जैसे कि आप देख सकते हो ये टैंक वॉश हो चुका है, अंदर से क्लीनअप हो चुका है और साथ साथ फिल्ट्रेशन भी मैंने धो दी है। इसकी सारी फिल्टर वगैरह भी वॉश कर लिया, पर एक फिल्टर रह गया है, ये वाला फिल्टर वॉश करना बाकी रह गया है। और फिशेस अपनी घूम रही है, मज़े से एकदम घूम रही है और ऑक्सीजन भी इनको पूरी तरह से मिल रहा है और ईजी है बिल्कुल फिशेस को कोई टेंशन नहीं है। तो हम चाय पीते हैं, आइए हमारे साथ चाय पीजिए। तो आप देख सकते हो कि मैंने पुराने स्टोन सारे निकाल दिए हैं, बोले आप देख सकते हो सारे पुराने स्टोन ये रहे। तो मैं देख रहा हूँ कि ये इस काबिल नहीं लग रहे मुझे कि मैं इसको वॉश करके दोबारा ऐड करूँ इसके अंदर। तो मैंने ये सोचा है आई थिंक कि हम इसको सोबर और सिंपल रखेंगे, न्यू ग्रेवल ऐड कर देंगे इसके अंदर सारी और बिल्कुल अच्छा लगेगा और इसमें लाइटिंग वगैरह भी अच्छी लगा लेंगे अपन, तो ये बहुत अच्छा लगेगा सोबर वेल एंड गुड। तो मुझे लगता है कि इसको मैं ऐड नहीं करूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप देख सकते हो क्लीन अप में भी ईजी रहेगा, अगर जब भी हमें क्लीन अप करना पड़े तो ये स्टोन वगैरह ये वो चीज़ें डिस्टर्ब करती है फिर। तो बस अब टी ब्रेक हो चुका है और टी ब्रेक के साथ हम टी नॉश करवा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इसको सोबर सिंपल रखूँगा और ये ग्रेवल मैं ऐड नहीं करूँगा इसके अंदर। मेरे पास कुछ ग्रेवल्स पड़ी हैं जो कि मैंने क्लीन अप करके रखी थी, पर उनको मैं दोबारा क्लीन अप करके इसके अंदर ऐड करूँगा। तो वो जो ग्रेवल हैं वो थोड़ी अलग है, ये वाइट कलर की हैं पर ये बहुत जल्दी, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, तो ये जो ग्रेवल है वाइट है बिल्कुल, और आपको पता है वाइट चीज़ बहुत जल्दी मेली हो जाती है। ख़राब हुआ वाटर तो हल्का सा भी हुआ तो वो लेयर जम जाती है और वाइटनेस ख़त्म हो जाती है। तो मेरे पास जो है वो मिक्स कलर के पत्थर हैं, ग्रेवल हैं छोटे छोटे, तो वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। और चाय पीते पीते जैसे चाय फिनिश होगी तो फिर अपन काम पे लग जाएंगे और इसको जल्द से जल्द रेडी करेंगे और फिर मैं आपको इसको व्यू दिखाऊंगा कि किस तरह से व्यू आता है क्लीन अप एक्वेरियम का। दोस्तों मैं जैसे बता रहा था आपको कि ये वाली ग्रेवल है जो कि मैं ऐड करूँगा इसको पानी से क्लीन अप करके, एक दफ़ा मैंने इनको वॉश किया हुआ है, अब मैं दोबारा से इनको एक दफ़ा वॉश करके ऐड कर देंगे अपन। तो जैसे कि ग्रेवल है और ज़्यादा जल्दी मेली हो जाए तो पता नहीं चलता, क्योंकि इनके कलर खोले लिए अलग अलग कलर के, देख सकते हो आप अलग अलग कलर के ब्राउन वाइट ब्लैक। तो ये दो शीटे पहले हम ऐड करेंगे इसके अंदर सबसे पहले, फिर उसके बाद ही ग्रेवल इसके ऊपर डालेंगे। तो दोस्तों जी देख सकते हैं आप ये किस तरह की कंडीशन है, मैंने इसके अंदर ये शीटे दोनों डाल दी हैं, ऐड कर दी हैं और उसके मैंने एयर पाइपिंग भी ऐड कर दी है इसके अंदर। अब इसमें हम डालेंगे ग्रेवल्स और उसका प्रोसेस हम आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था ये फिल्ट्रेशन का एक एयर सेक्शन काम नहीं कर रहा था और मेरे पास जैसे कि एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो अपन इसको ऐड करेंगे। दोस्तों अब इसके अंदर हम पानी ऐड करने जा रहे हैं बिल्कुल क्लीन अप और साफ सुथरा। तो तकरीबन पानी हमारा टैंक के अंदर फुल होने वाला है, तो ऑलमोस्ट हम यहाँ तक इसको फुल करेंगे। फ्रेंड्स तो देखें हमारा एक्वेरियम कंप्लीट हो चुका है और अब हम फिल्टर्स ऑन करने जा रहे हैं, तो चलो देखते हैं कि आप फिल्टर अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। ये देखें एकदम परफेक्ट, ये पहले काम नहीं कर रहा था और अब ये वाला सेक्शन काम कर रहा है, तो दूसरा वाला सेक्शन देखते हैं वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। देखें ये भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वाह ज़बरदस्त। और अब देखें अब हम पावर फिल्टर ऑन करने जा रहे हैं, ये हमने पावर फिल्टर ऑन कर दिया, देख सकते हैं कि कैसे अच्छे से बबल आ रहे हैं, मतलब एयर सेक्शन बहुत अच्छे से काम कर रहा है और ये यहाँ से पानी जाके यहाँ से फिल्ट्रेशन भी हो रहा है, देख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ से फिल्ट्रेशन होके पानी आ भी रहा है, तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और अब इसको हम 2 से 3 घंटे छोड़ देते हैं, थोड़ा सा ये पानी जो है क्लीन अप हो जाएगा, तो फिर हम ये वाली जो फिशेज़ हैं अपनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी नन्नी मुन्नी फिशेज़, ये सब इसमें हम ऐड कर देंगे और जब ये ऐड कर देंगे तो फिर उसका व्यू कुछ अलग ही होगा। तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि 2 घंटे बाद थोड़ा सा पानी क्लीन अप हुआ है और पानी का टेम्परेचर भी लेवल हो चुका है, तो अब हम इसमें फिशेस ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इतनी प्यारी प्यारी मछलियाँ जो हैं मेरी नन्नी मुन्नी मछलियाँ, चलो भाई अब इनको हम इस टैंक के अंदर डालते हैं और एक एक करके वन बाय वन
हम इसको टैंक के अंदर ऐड करते हैं। तो आ जाओ भाई, आ जाओ, नन्नी मुन्नी मछलियों सारी घर में। ये आ गई फिशेस, क्या बात है। जैसे कि हमारा फिश टैंक कंप्लीट हो चुका है, एकदम क्लीन हो चुका है और ग्रेवल भी हमने न्यू ऐड कर दी है, तो अब ये फिश टैंक कंप्लीट है और इसका लुक दिन पर दिन और वाटर का बेटर होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे फिल्ट्रेशन होती रहती है तो पानी और क्लीन और अच्छा हो जाता है, साफ हो जाता है। तो हमारे साथ साथ एक और छोटा एक्वेरियम है, तो इसको भी हम बहुत जल्द प्लांट एक्वेरियम बनाएंगे, तो देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।